नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आज हम आपको एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानकारी होगी। दरअसल यूनानी चिकित्सा पद्धति यूनानी हिकमत के नाम से भी पुकारा जाता है। भारत में 100 से अधिक यूनानी चिकित्सा विश्वविद्यालय में यूनानी चिकित्सा पद्धति सिखाया जाता है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के करीब है। इसे भारत में भी वैकल्पिक चिकित्सा माना गया है। यूनानी चिकित्सा पद्धति का इतिहास बड़ा शानदार था। वर्तमान में एलोपैथी के सामने इसका टिकना कठिन हो रहा है। 460-377 ईस्वी पूर्व में यूनानी चिकित्सा विधि का पता चलता है। बुकरात अंग्रेजी में हिप्पोक्रेट नामक दार्शनिक को यूनानी चिकित्सा विधि का जन्मदाता माना गया है। 129 से 200 ईस्वी में जालिनुस का जमाना आया। इन्हें अंग्रेजी में गेलन के नाम से जाना गया और हकीम अजमल खान जो सबसे बड़े यूनानी के हकीम माने गए हैं, यही वजह है इनके जन्मदिन पर आज मुंबई यूनिवर्सिटी में मोदी भवन में BUMS के डॉक्टर लगभग 3000 के करीब यूनानी डे के मौके पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मुमरा से डॉक्टर अली खान पूरी कोशिश की और यूनानी दिवस के आयोजक डॉक्टर जुबेर शेख सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने देश के सभी यूनानी डॉक्टरों को एक जगह पर इकट्ठा किया। इस मौके पर डॉक्टर मिर्जा जुबेर महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के मेंबर और टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख, समाजवादी पार्टी के MLA रईस शेख व अन्य BUMS के तमाम डॉक्टर मौजूद थे। और इसमें जो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका नाम हमने आपको पहले बताया कि डॉक्टर जुबेर शेख जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने पूरे डॉक्टरों को एक साथ किया। हम आपको सुनाते हैं इस मौके पर हमारे संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने डॉक्टरों से क्या बातचीत की है, आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख, हम मौजूद है मुंबई के कालीना यूनिवर्सिटी परिसर में। यहाँ पे 4 सालों से यूनानी डे मनाया जाता है। जो BUMS की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाते हैं और जो BUMS की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन स्टूडेंट और यूनानी मेडिसिन और यूनानी उपचार को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। इस प्रोग्राम के लिए यूनानी डॉक्टर्स और स्टूडेंट पूरे देश से आए हुए हैं। यहाँ पे यूनानी मेडिसिन के स्टॉल लगे हुए, आइए हम उनसे भी कुछ बात करते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि आज के ज़माने में एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उसके मुकाबले में यूनानी दवा कितना फ़ायदा देती है? बिल्कुल, यूनानी दवाएँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सबसे मेन पॉइंट है कि साइड इफेक्ट नहीं रहता इनका और कोई कसर भी है। असल में लैक ऑफ नॉलेज है पेशेंट्स का कि इसमें कोई जैने कोई का रिजल्ट नहीं है, नहीं इसमें कोई रिजल्ट है। और यहाँ पे और तरह तरह की मतलब मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन दिखाई दे रही है, सिर्फ इधर स्टॉल लगा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर मिर्जा ओबेद बेग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या पूरी जानकारी देना चाहोगे यूनानी डे के बारे में, ये कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये आप बताइए। ये महाराष्ट्र के अंदर जो है इम्पा इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रैक्टिशन एक तंजीम है, जो पिछले चार साल से जो है नेशनल यूनानी डे जो है मनाती है। इसका मकसद होता है कि यूनानी को जो है वो उरूज जो है देना, और इसमें महाराष्ट्र से और पूरे हिंदुस्तान से जो है डॉक्टर हजरात जो है आते हैं और एक दूसरे से मुलाकात होती है, और यूनानी को फ़रोग देना, यूनानी को बढ़ोतरी देना, किस तरीके से आगे आए यूनानी, इसलिए जो है इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें सभी जो है यूनानी के डॉक्टर्स का जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तकरीबन पूरे महाराष्ट्र से 2000 जो है डॉक्टर हमारे पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने जो है बयान रखते हैं लोग, अपने अपनी यानी कि यूनानी जो नया डेवलपमेंट कर रहा है वो उस सिलसिले में लोग अपने अपने इजहार ख्याल करते हैं। यही हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम के आयोजक वाइस प्रेसिडेंट CCIN न्यू दिल्ली और जनरल सेक्रेटरी इम्पा के डॉक्टर जुबेर शेख। सर, आज यूनानी डे के बारे में आप क्या बताना चाहोगे और ये क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? यूनानी डे हम पिछले 4 साल से मना रहे हैं। इसका अहम मकसद ये था कि किस तरह से यूनानी को आम के अंदर आम किया जाए, इसलिए हमने नारा भी दिया था
आओ मिलकर काम करें, यूनानी को काम करें। मकसद यही था कि किस तरह से हम अपने प्रैक्टिशनर को अवेयर करें कि यूनानी सिस्टम बहुत ही मजबूत स्ट्रांग है, महफूज है, मौसर है, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि एलोपैथी के अंदर क्या होता है कि आप एक दवा कीजिए एक बीमारी के लिए, दूसरी 10 नई दवाएँ बीमारियाँ और आ जाती हैं उसके अंदर, उस कॉम्प्लिकेशन होता है करके। मगर यूनानी के अंदर ऐसा नहीं है। यूनानी तरीके इलाज जो है वो सिम्टम को नहीं बीमारी का इलाज करता है, इसलिए आज काफ़ी मकबूल हो रहा है। और ये आज की नई पैथी नहीं है, 5000 साल पुरानी करके। इस मौके पर आप यूनानी डॉक्टर्स और यूनानी स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? यूनानी डॉक्टर्स का मकसद तो जो हमने दिया है, उनको अनाउंस भी किया, उनको लब्बैक भी उन्होंने कहा है कि भाई कि हम यूनानी को आगे बढ़ाएंगे और यूनानी की प्रैक्टिस करेंगे और लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हमारी जो पैथी है यूनानी, बल्कि ये कहा जाए कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। हम जो मेडिसिन के लिए बाहर की तरफ देखते हैं, अगले 10 सालों में हम ये चाहते हैं कि हम बाहर की तरफ ना देखें, बल्कि हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, जिसमें यूनानी एक ब्रांच है, वो इतनी ज़्यादा ऊपर आ जाए कि हम लोग जो है बाहर से किसी भी चीज़ के लिए ना जाए। बल्कि ऐसा हुआ है कि हमारी इस पैथी की वजह से उन लोगों ने इसको डेवलपमेंट किया अपने एलोपैथी को। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इतना ज़्यादा पावरफुल हो, इतना ज़्यादा फालियत उसमें हो कि तमाम लोग जो है अपने इलाज के लिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ही चॉइस करें और हमें किसी चीज़ की इंपोर्ट ना करना पड़े। अल अमीन, यूनानी मेडिकल कॉलेज मालेगांव के चेयरमैन रिजवान शेख, क्या पूरी जानकारी देना चाहते हैं यूनानी डे के फंक्शन में? आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या जानकारी देना चाहोगे ये यूनानी डे के फंक्शन के बारे में? सबसे पहले तो मैं इम्पा के जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको मुबारकबाद दूंगा, ख़ासतौर से डॉक्टर मुजीब साहब, डॉक्टर ज़ुबैर शेख साहब और उनकी जो टीम है, जो उनके रफ़का है, उनको मुबारकबाद दूंगा कि यूनानी पैथी के इन लोगों को ये एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना बहुत अच्छी बात है। और ये 4 सालों से सिलसिला शुरू हुआ है तो यूनानी प्रैक्टिशनर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है और यूनानी से जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं ये लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। औरंगाबाद से आए हुए यूनानी स्टूडेंट, आइए उनसे बात करते हैं। आज आपने यूनानी को क्यों चुना और आज के जो लोग हैं एलोपैथिक के पीछे भाग रहे, एलोपैथिक को चुन रहे, तो आपने यूनानी क्यों चुना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एलोपैथी जो पैथी है वो उसके अंदर साइड इफेक्ट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके पास में मतलब कोई भी अपने पास में पेशेंट आया तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एलोपैथी के अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको खुद मालूम है, स्किन हो या फिर दूसरे भी अदर्स ट्रीटमेंट के ज़रिए से आपको मतलब उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यूनानी के अंदर एक भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर आप यूनानी डे के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये एक इलाज का जो सिलसिला है यूनानी का, मेरे ख्याल से हमारे इस देश में 11वीं सदी में आया था और इसको कसरत से जो है मुग़लों के टाइम पे और उसके आगे इसका उपयोग में लाया जाता था। उसके बाद में महाराष्ट्र में इसमें थोड़ी सी इसको गति मिली है, लेकिन इनकी काफ़ी डिमांड जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रिलेटेड है। हमने इनसे बातचीत की है और इनको अच्छे स्ट्रीम में लाने के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी। यही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आसिम फारूकी, जो BMS के साथ MS करके जनरल सर्जन बने हैं और बहुत कम यूनानी में ऐसे सर्जन मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। BMS करके फर्स्ट जनरल सर्जन बॉम्बे में, जो कि प्रैक्टिकल जनरल सर्जन, ऐसे सर्जन और बहुत से हैं बट बॉम्बे में फर्स्ट जनरल सर्जन यूनानी साइड से जो सर्जरी कर रहे हैं। कुरला का मशहूर बड़ा हॉस्पिटल है हबीब हॉस्पिटल, इसके अलावा घाटकोपर में ग्लोबल नर्सिंग होम, कलीना में हेल्थ केयर पॉली क्लिनिक, इसके अलावा और बहुत सी जगह है बॉम्बे में, घाटकोपर है, वडाला, गोंडी, कई हॉस्पिटल में कंसल्टिंग और सर्जरी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।